नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद में आपका स्वागत है। हर पहल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पहल आपके साथ मगध संवाद। आज की खास खबर, 30,000 शिक्षा सेवकों को मिलेगी पीएफ का लाभ। पहले टोला सेवक के नाम से जाने जाते थे शिक्षा सेवक, फरवरी से मिलेगा योजना का लाभ। 13.25% की हिस्सा राज्य सरकार देगी। अब खबर विस्तार से। प्रदेश के 20,000 शिक्षा सेवकों को भविष्य निधि यानी पीएफ फंड का लाभ मिलेगा। इसके लिए 20,000 शिक्षा सेवकों व 10,000 तालीमी मरकज के शिक्षा प्रेमियों का भविष्य निधि खाता खुलेगा। भविष्य निधि का लाभ मिलने से इन सभी कर्मियों का भविष्य अब सुरक्षित हो जाएगा। भविष्य निधि खाते में 12.5% शिक्षा सेवकों की सैलरी से कटेगी, जबकि राज्य सरकार 13.25% हिस्सा देगी। शिक्षा सेवक 8,000 रुपये प्रति माह के मानदेय पर संविदा के आधार पर कार्यरत है। इस प्रकार हरेक शिक्षा सेवकों को लगभग 2,000 रुपये ईपीएफ फंड में जमा होगा। जनवरी की सैलरी से पीएफ का लाभ उन्हें मिलने लगेगा, जो उनके खाते में 10 फरवरी को जमा होते हैं, जब शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी 38 जिलों के डीपीओ साक्षरता को संबंधित जिलों के ईपीएफ ऑफिस में खाता खोलने की जिम्मेदारी दी है। 26 जनवरी तक सभी शिक्षा सेवकों को पीएफ फॉर्म भरकर अपने जिले के डीपीओ साक्षरता को जमा कर देना है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।